तुम छुपा ना सकोगी। आपने रील्स पे अपने कुछ इस तरह का देखने कलर ग्रेडिंग वाला वीडियो तो देखा होगा। इस तरह का कलर ग्रेडिंग वाला वीडियो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और अगर आप कुछ इस तरह का कलर ग्रेडिंग वाला वीडियो नहीं बनाना जानते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको इसी तरह का कलर ग्रेडिंग बताऊंगा। और अगर आप सोच रहे हैं मैं इसे फिगुअल एप्लीकेशन से एडिट करके दिखाऊंगा, तो मैं आपको फिगुअल एप्लीकेशन से नहीं, मैं आपको किसी और एप्लीकेशन से एडिट करके दिखाऊंगा। और इस तरह का आप भी क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं काफ़ी ईजी तरीके से कुछ इस तरह का आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला वीडियो देख सकते हैं, ये नॉर्मल वाला है और ये एडिटिंग वाला, तो दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो कुछ इसी तरह का मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कलर ग्रेडिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह का कलर ग्रेडिंग वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, देख सकते हैं। तो इसका नाम है 3D LUT, कुछ इस तरह का एप्लीकेशन का नाम है और इसे आपको प्ले स्टोर में भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर देख सकते हैं, मैं इसे ओपन कर लिया हूं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहां पर ओपन गैलरी पर अपना वीडियो ऐड कर लेना है, जो भी आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं वो वाला वीडियो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ये वाला वीडियो यूज करूँगा एडिटिंग करने के लिए, और इसका मैं म्यूजिक ऑफ कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का आपको वीडियो देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका लेयर आपको कुछ इस तरह काफ़ी सारे यहाँ पर सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला इस सेटिंग में आ जाना है, और इस लेयर को अगर बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह का देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा कलर भी आपको अभी तक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी चेंजिंग हो चुका है, पहले से काफ़ी चेंजिंग हो चुका है। तो कुछ इस तरह आपको कलर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर आपको क्लिक कर लेना है एक बार, और यहाँ पर आपको नीचे एक बार क्लिक कर लेना है। सॉरी मेरा डाटा ऑन नहीं है, तो आपको यहाँ पर डाटा ऑन कर लेना है अपना। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट डाटा ऑन कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग होने देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। तो आपका अगर इंटरनेट स्लो नहीं चल रहा है तो आपको जल्दी आ जाएगा, अगर आपका स्लो चल रहा है तो थोड़ा आपको लेट लगेगा। तो आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह का काफ़ी सारे यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ इसी तरह का आप भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टॉप 25, यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग में टाइम लगता है, यहाँ पर नेट अगर आपका अच्छा से नहीं चलेगा तो यहाँ पर मैं इसे लोडिंग होने देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं पूरा डार्क हो चुका है। तो कुछ इसी तरह का आप भी काफ़ी अच्छी तरीके से कलर ग्रेडिंग वाला वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, और आपको जो वाला कलर अच्छा लग रहा है बस वो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। ये वाला भी कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का कलर आपको काफ़ी कलर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये वाला दोनों कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरह का आप भी कलर ग्रेडिंग वाला वीडियो बना सकते हैं, और इसे आप कुछ इस तरह के 3 लेयर वाला भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो अगर क्रिएट करेंगे तो आपका रील्स वीडियो 100% वायरल जाएगा, और काफ़ी सारा व्यूज आने का चांस रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करने भी काफ़ी ईजी है, बस यहाँ पर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोर्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी में ये वाला वीडियो चल रहा है। तो कुछ इस तरह का आप भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरह का आप भी वीडियो क्रिएट करेंगे तो आपका वीडियो 100% वायरल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आप ये कभी यूज नहीं किए तो एक बार ज़रूर यूज करना, क्योंकि ऐसे ही आपको छोड़ नहीं देना कि यूज करेंगे बाद में, ऐसा नहीं, आपको एक बार यूज कर लेना है, उसके बाद आपको पता चलेगा इस ऐप में कैसे आपका कलर ग्रेडिंग होता है। तो चलिए ऐसे ही मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।